नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूँ रूहानी। अभी की तस्वीरें मैं आपको जम्मू के चौक चबूतरा से दिखा रही हूँ और विजुअल्स बयां करते हैं कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जो बुक सेलर्स हैं अपनी शॉप्स जो है वो खोल सकते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ना है और पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, उसी के मद्देनजर यहाँ पर दुकानों को खोलने का आदेश जो है जिला प्रशासन की ओर से दिया गया था। हालांकि यहाँ पर अगर हम कहें तो कौन कौन सी किताबें यहाँ पर मिलती हैं, इग्नू की बुक्स मिलती हैं, कॉलेज की बुक्स मिलती हैं, बीएड की किताबें मिलती हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है वो भी यहाँ पर मिलती हैं, यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस बुक्स यहाँ पर मिलती हैं, या फिर हम कहें कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो किताबें यहाँ पर मिलती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर बोर्ड और सीबीएसई पैटर्न की जितनी भी किताबें हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। और दूर तक अगर आप देखें तो ये पूरा बाजार अगर हम कहें, हालांकि इस तरफ की जो दुकानें हैं वो अभी फिलहाल जो है वो बंद है। कारण यही है कि ये जो दुकानें हैं ये कल खुलेंगी, यानी कि इनको भी इस तरह से कहा गया है कि एक तरफ जो है लेफ्ट साइड वाली शॉप्स खुलेंगी और दूसरी तरफ जो है वो राइट साइड वाली शॉप्स खुलेंगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए और तमाम वो मापदंड अपनाया जाए जिससे कोरोना वायरस का खतरा जो है यहाँ पर नहीं जो बरप पाए। वहीं आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपको बिल्कुल एक ही साइड की शॉप्स जो हैं वो नज़र आएंगी जो खुली हुई हैं। और ये दुकानें जो हैं यहाँ पर सुबह से ही खुल चुकी थी जैसे ही ज़िला प्रशासन का यहाँ पर आदेश आता है, क्योंकि अभी की बात की जाए तो प्रशासन जो है ऑनलाइन स्टडी पर ध्यान भी दे रहा है। वहीं कहीं बच्चों के जो माता पिता थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, बुक्स नहीं मिल रही हैं, या फिर हम कहीं स्टेशनरी का सामान नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं। उसी को यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं अब अपनी दुकानें खोलने के लिए आए हैं और बच्चे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स किताबें खरीद रहे हैं और जो ज़रूरी यहाँ पर किताबें हैं जिसके द्वारा वो आगे जो है भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो किताबें जो है वो यहाँ पर खरीदने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हालाँकि यहाँ की तस्वीरें ये बयां करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, नीचे सर्कल्स हैं, अगर आप देख सकते हैं तो नीचे सर्कल्स हैं, लोग सर्कल में ही खड़े हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर पूरी तरह से हर एक नियम का पालन कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं इस तरफ अगर तो यहाँ पर हर एक प्रकार की किताब जो है यहाँ पर मिलती है, सीबीएसई की मिलती है, लॉ की किताबें मिलती हैं, हर एक तरह की किताबें जो है यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पर अगर हम कहें तो स्टूडेंट्स का ज़्यादातर अगर हम रश कहें तो यहाँ पर बच्चे किताबें लेने के लिए आते हैं, ख़रीदने के लिए आते हैं, ज़रूरी किताबें जिनसे कहीं ना कहीं वो पढ़कर आगे अच्छी जो है कोचिंग ले सकते हैं और कोचिंग लेने के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करते हुए बच्चे जो हैं एक अच्छा भविष्य जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर अगर हम कहें जो बुक सेलर हैं उन्होंने खुद भी जो है यहाँ पर मास्क जो है लगाया है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे अगर किसी को यहाँ आना है तो क्या टाइम कितने बजे आ सकते हैं और जो सामने वाली दुकानें हैं ये कब खुलेंगी, सर से बात करेंगे। सर ये टाइमिंग क्या है शॉप्स खुलने का यहाँ? सर मैडम 10 से 2 हैं और ए साइड एक दिन, दूसरे दिन फिर दूसरे दिन, कल ये बंद रहेंगी, साइड वाली वो वाली खुल जाएंगी वन बाई वन। ये अभी कितने दिनों के बाद आपने शॉप खोली है? कुछ आपको कॉल चाहिए होंगी लॉकडाउन के दौरान की किताबें चाहिए? हाँ, तो हम नहीं आ पा रहे थे तो नहीं दे पा रहे थे बच्चों को, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया बहुत अच्छा स्टेप लिया है, स्टूडेंट को भी थोड़ी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। मैडम बनाए हुआ हमने नीचे देखिए पूरा बनाए हुआ, सभी कस्टमर बाद ही रहने देते, अंदर हम आने नहीं देते। सैनिटाइजर का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? ये तस्वीरें बयां करती हैं, बिल्कुल हम शुरुआत में ही देख सकते हैं सैनिटाइजर यहाँ पर मौजूद है। जब से पैसे लेते हैं तुरंत हाथ धो लेते हैं। चलिए, ये जो है एक बुक शॉप है, आपको जम्मू से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये देखिए पूरे सर्कल्स यहाँ पर पूरे रास्ते पर बनाए गए हैं कि आपको कहाँ पर खड़ा होना है और कहाँ पर नहीं खड़ा होना है, वही चेहरा ढक के ही आप आएँ। वहीं अगर हम दूसरी तरफ कहें तो MHA की तरफ से जब इस तरह के निर्देश जो थे वो जारी किए गए थे, ये भी कहा गया था 50% आए अगर कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अपने हाइजीन को मेंटेन करें, अपने हाइजीन को मेंटेन करते हो खुद का ख्याल रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। और लोगों से भी यही अपील रहेगी कि अगर आप किताबें खरीदने के लिए चौक चबूतरा के इस बाज़ार में आ रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकमात्र उपाय यही है कोरोना से बचने के लिए। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।